राजस्थान के कोटपुतली में शख्स की पीट पीटकर हत्या, वन विभाग के कर्मचारियों पर शख्स की पिटाई का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पति पत्नी की पीट पीटकर हत्या, अवैध संबंध को लेकर दो पड़ोसियों में था विवाद, सीतापुर के राजेपुर गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, झज्जर में युवती की गला घोटकर हत्या, पुलिस ने मां बाप और भाई को किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में कानून व्यवस्था हालात बहुत खराब। पत्रकार की हत्या पर गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार, राजधर्म भूल चुके हैं नीतीश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रेमिका से मिलने आए युवक की लोगों ने की पिटाई, गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला सामने आया, मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ कर रहा था निकाह, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया निकाह। गुलाम नबी आजाद के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव था, न्याय और बराबरी के लिए लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म। गुलाम नबी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज, कहा गुलाम नबी को पूर्वजों की कितनी जानकारी नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन ज्यादा अतीत खंगालने पर बंदर भी मिल सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शैलेशानंद गिरी ने जताई आपत्ति, कहा सनातन धर्म पर ऐसी टिप्पणी अशोभनीय, भेदभाव से रहित है सनातन धर्म। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का राहुल गांधी पर दिए बयान से यूटर्न, कहा जनता चाहती है राहुल गांधी अमेठी से लड़े चुनाव। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी को नकार चुकी है अमेठी की जनता। कल भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मध्यप्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी, गरीब कल्याण अभियान की करेंगे शुरुआत। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष अलागिरी, दोनों नेताओं के बीच पार्टी संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग का पहला चरण पूरा, अगला चरण 20 अगस्त से होगा शुरू, इसरो ने डिबूस्टिंग के पहले चरण को बताया सफल। ग्वालियर के पास खेत में आसमान से गिरा चमकदार गोला, गोला गिरने से बना खेत में 2 फीट गहरा गड्ढा, लोगों में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में क्रिस्टल कंपनी में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हिमाचल में तबाही के बाद राज्य आपदा घोषित, सीएम सुक्खू ने राज्य आपदा घोषित किया, हिमाचल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। भारी बारिश से हिमाचल के मंडी में जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा, सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा, 12 अगस्त से कई वाहन रास्ते में फंसे। शिमला में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी, 100 से अधिक लोगों को निकाला गया सुरक्षित। जर्मनी से मिले हथियारों से रूस पर कहर बरपा रही है यूक्रेनी सेना, डेनिश 155 एमएम ऑटोमेटिक मशीन गन से दुश्मनों पर जोरदार हमले कर रही है सेना। ज़ेपोरिज़्या की ओर रूसी सेना का भीषण प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों को चुन चुन कर बनाया निशाना, हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तहस नहस। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ब्लास्ट, इन होर्डर में मीटिंग कर रहे रूसी सैनिक, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 की ताकत होगी डबल, पहले से ज्यादा घातक हो जाएगा रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ ने कम से कम 20 चर्चों और ईसाइयों के 86 घरों को जलाया, कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर काटा बवाल।